दोस्तों आप लोग के काफी दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि कोई सस्ता पीसी बिल्ड करा दीजिए, बजट नहीं है, 10,000 से 12,000 रुपए के अंदर कोई ऐसा पीसी बिल्ड कराइए जिसके ऊपर आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकें और वीडियो गेमिंग भी कर सकें। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम एक ऐसा पीसी बिल्ड करेंगे जिसके अंदर आप कंप्लीट ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, चाहे आप एमएस ऑफिस चलाना है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन कोरल ड्रॉ फोटोशॉप पे आपको काम करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना है, या फिर आपको जो है वीडियो एडिटिंग करना है यूट्यूब वीडियोस के लिए, जैसे कैमटेसिया या फिर फिल्मोरा आपको चलाना है, तो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन आप इस पर चला सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दबेगा। उसके अलावा अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो जैसे इसके साथ में आप कर सकते हैं टोटल ओवरडोज और GTA वाइस सिटी का, बिल्कुल आप अच्छे सेटिंग पर आप जो है एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये दबने वाला सिस्टम नहीं है, बहुत अच्छा सिस्टम ये बनेगा मात्र 10,000 से 12,000 के अंदर ही। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूं। और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है इस चैनल पर कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, सो प्लीज आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें चैनल को, हम एक से कंटेंट लाते रहेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि इस पीसी में हम लोग क्या क्या लगाने वाले हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम प्रोसेसर पर बात करेंगे, तो चूंकि बजट का हमें ध्यान रखना है तो इसके अंदर जो हम प्रोसेसर लगा रहे हैं वो इंटेल का i3 3rd generation यानी i3-3240 प्रोसेसर लगा रहे हैं। ये ड्यूल कोर का प्रोसेसर है 3.4 गीगाहर्ट्ज का। ये इतना जबरदस्त प्रोसेसर है, इतना फेमस प्रोसेसर है कि आज भी काफी सारे ऑफिसेज में ये बिल्कुल फुल फ्लैश में चल रहा है और आज भी इस पर पीसी बिल्ड होते हैं, चाहे कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर हो जिनका बजट कम है वो इस प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं और आज भी मार्केट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ये प्रोसेसर यहां पर हम लोग लगाने वाले हैं जिसका प्राइस 3,3200 रुपए के आसपास मिलता है। ये प्राइस अमेजोन पर हमेशा अप एंड डाउन होता रहेगा, आप ध्यान दें। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, सही प्राइस जब मिले आप इसको जो है मंगा करके बिल्ड कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको अपने लोकल मार्केट में भी पता कर सकते हैं। कई बार ऑनलाइन चीजें महंगी होती हैं, ऑफलाइन मार्केट में जो है वो चीजें काफी सस्ती मिल जाती हैं, कई बार ऑफलाइन में अगर शॉर्टेज रहता है तो ऑनलाइन चीजें आपको सस्ती मिल जाती है। तो दोनों ही जगह टैली करके आप जो है जो जहां सस्ता मिले वहां से आप बाय करें। इसके बाद जो इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगने वाला है वो H61 लगेगा, और ये जो है मैं 3 मॉडल आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उनमें से कोई सा भी आप बाय कर सकते हैं। एक जो है जेब्रोनिक्स का है, इंटर का है और कंसिस्टेंट का है, आप तीनों में से कोई सा भी आप बाय कर सकते हैं। तीनों ही लगभग एक ही लेवल के हैं और 3,000 से 3,500 के बीच में ये पड़ जाते हैं। बाकी पूरा डिटेल्स अगर एक चीज देखना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या इनपुट आउटपुट पोर्ट मिलते हैं, क्योंकि इन सब पर बात मैं करूंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। मोटे मोटा तौर पर हम बात कर लेते हैं, तो मदरबोर्ड H61 लगाएंगे जिसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है, 3,000 से 3,500 के बीच में मिलेगा। यह ऑफलाइन और भी सस्ता मिल सकता है, जरूर ट्राई करें। उसके बाद इसके अंदर DDR3 रैम लगेगा, 4GB अगर आप लगाते हैं तो 1,000 से 1,200 रुपए में पड़ जाएगा, और 4GB इस सिस्टम के लिए बहुत होता है। जितने सारे मैंने काम बताया इसके लिए 4GB बहुत होता है, हम लोग इसको बिल्कुल यूज करते हैं, प्रैक्टिकली यूज में है ये पीसी हमारे यहां, हमने अपने कंप्यूटर सेंटर में भी ये यूज किया हुआ है, बहुत अच्छा चलता है। 4GB पर ये सारे काम बिल्कुल चल जाते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 8GB लगाएं तो आप 8GB लगा लें, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर 8GB लगाते हैं तो ये 2,000 से 2,500 रुपए के बीच में पड़ेगा, इसका भी मैंने अलग अलग ब्रांड का अच्छे जो है लिंक मैंने दे रखा है। उसके बाद मेन पार्ट इसका जो स्टोरेज डिवाइस है वो हम यूज करने वाले हैं, इसके अंदर SSD, तभी जाकर के ये आपका पीसी खुल के काम करेगा और तभी जाकर के आप इस पर गेमिंग भी कर पाएंगे, एडिटिंग भी कर पाएंगे, ऑफिशियल सारे वर्क कर पाएंगे। कोई शॉप है आपका, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, शादी कार्ड वगैरह डिजाइन करने का काम करना चाहते हैं, पोस्टर बैनर वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं, कोरल ड्रॉ के लेटेस्ट वर्जन पर काम करना चाहते हैं, तो ये पीसी बिल्कुल यूजफुल है, बिल्कुल बेहतर ढंग से काम करेगा, बिल्कुल कोई भी लैग आने वाला नहीं है, बशर्ते इसके अंदर हार्ड ड्राइव नहीं आपको SSD लगाना होगा। कम से कम SSD इसके अंदर 120GB लगा लीजिए,
बाकी स्टोरेज के लिए आपको हार्ड ड्राइव चाहिए ही, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, अगर चाहिए तो आप उसको लगा सकते हैं। 3000 से 3500 के बीच में आपको 1 TB का हार्ड ड्राइव भी मिल जाएगा 3000 के आसपास में, लेकिन SSD आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जरूर इसके अंदर यूज करें। अगर 120 GB का लगाते हैं तो 1500 से 1800 रुपए के बीच में आपको SATA SSD मिल जाएगा। SATA SSD ही इसके अंदर लगेगी और वही आपको लगाना है और बहुत अच्छा स्पीड आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि नहीं 120 GB कम होगा, 240 GB लगा लीजिए, तो 240 GB अगर आप लगाते हैं तो उसका प्राइस 2500 से 3000 पड़ेगा। ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। 1000 रुपए और लगा देंगे तो आपको 240 GB मिल जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और बाकी सॉफ्टवेयर्स के लिए जो आप काम करने वाले हैं 120 GB बहुत है। अगर उससे काम आपका नहीं चल रहा है तो आप 240 GB लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 120 GB या फिर 240 GB, ये दोनों के साथ में आपको एक हार्ड ड्राइव लगाना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना होगा, वो आपकी रिक्वायरमेंट है कितने जीबी का लगाना है। तो अगर इन दोनों को लगाते हैं तो एक हार्ड ड्राइव जरूर आप लगाएं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें 480 GB साल्टा में अगर आपको लगाना है और हार्ड ड्राइव नहीं लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। 480 GB अगर आप लगाते हैं तो वो 3800 से 4200 रुपये पड़ेगा। इन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार चेक करें, आपके हिसाब से जो आपको सहूलियत लगे, जो आपका बजट हो उसके हिसाब से आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं और जो मैं लिंक दिया हूं बिल्कुल छांट करके दे रखा हूं, वो आपके बजट में वैरी करेगा। बहुत ही कम बजट है तो आप जो कम वैल्यू की चीजें हैं वो लगा लीजिए, आपके परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो चीजें बदलेंगे, 120 GB लगाइए, 240 GB लगाइए, 480 GB लगाइए, आपके परफॉर्मेंस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी है। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से लगा सकते हैं। हार्ड ड्राइव लगानी है तो उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है। तो स्टोरेज में SSD आपको जरूर लगाना है। उसके बाद बात आती है चेचिस की, यानी कैबिनेट, कैबिनेट विथ पावर सप्लाई। अलग अलग अगर लेंगे तो काफी महंगा पड़ेगा। अगर आप अपने लोकल मार्केट में ट्राई करते हैं तो 450 वाट की पावर सप्लाई विथ कैबिनेट, ये दोनों एक ही में आपको 1500 से 1800 के बीच में मिल जाएगा। आप अपने लोकल मार्केट में एक बार ट्राई करके देख लें। इंटर, जेब्रोन, निक्स, इंटेक्स, इस टाइप की बहुत सारी कंपनियां आती हैं जिसका एक कंप्लीट कैबिनेट आपको मिल जाएगा 1500 से 1800 के आसपास में। लेकिन थोड़ा सा बेहतर चाहिए आपको तो 2500 से 3500 रुपए के बीच में ऑनलाइन मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये थोड़ी सी मजबूत होती है, इसके अंदर जो पावर सप्लाई है वो 450 से 500 वाट की मिल जाएंगी, वो मायने नहीं रखता। 450 वाट की पावर सप्लाई बहुत है इस सिस्टम को हैंडल करने के लिए। तो ये जो भी कैबिनेट मैं दे रहा हूं लिंक में, ये विथ पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई उसके अंदर इनबिल्ट है। तो इस तरीके से जो है आप चेचिस कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कीबोर्ड माउस भी चाहिए तो 300 से 500 के बीच में आपको कीबोर्ड माउस कॉम्बो मिल जाता है USB वाला, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से बाय कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि बजट PC हम बिल्ड कर रहे हैं तो जेब्रोनिक्स, इंटेक्स वगैरह का जो है कई सारे और ब्रांड होते हैं जिसके आपको 300 से 500 रुपए के बीच में दोनों ही मिल जाते हैं, सेट कॉम्बो सेट मिल जाते हैं, माउस भी कीबोर्ड भी, तो वो आप बाय कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इतना ही चीजें अगर आप बाय करते हैं और इसके बजट की अगर हम बात करें तो ये 11 से 12 हजार के बीच में आएगा विथ कीबोर्ड माउस, 11 से 12 हजार के बीच में बन जाएगा। सारी चीजें अगर आप जो है सस्ते वाले लेते हैं, यानी कि कम वैल्यू के अंदर अगर आप लेते हैं, तो उसके बाद अगर आपको बढ़ाना है तो आपकी मर्जी है, आपका बजट क्या कहता है, तो आप अपने हिसाब से आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मॉनिटर की बात करें तो चूंकि बजट है तो बजट के अंदर अगर आप मॉनिटर बाय करते हैं, अगर आपके घर TV है, LCD LED TV वगैरह है, तो आप सिर्फ CPU बना लीजिए और उसके अंदर आप चला लीजिए फिलहाल अगर बजट कम है तो। लेकिन नहीं, अगर आपको मॉनिटर चाहिए ही तो 15 इंच कम से कम मॉनिटर आपको लेना होगा। इसके अंदर ब्रांड आपको नहीं मिलेगा, ब्रांड के सारे बंद हो चुके हैं। मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाकर के देख लें 15 इंच के अंदर। उसके बाद जो है आप 19 इंच में ले सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक दे रखा है। उसके बाद अगर सही आपको मॉनिटर चाहिए तो आपको 22 इंच के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको 10 से 12 हजार रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ मॉनिटर में, यानी कि जितने का आपका PC उतना ही का मॉनिटर। तो उसी हिसाब से आपका क्या बजट है, क्या कहता है आपका बजट, उसके हिसाब से आप PC बिल्ड करें। मैंने सारे ऑप्शन आपको दे रखा है और सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो कम से कम ये PC जो विथ कीबोर्ड माउस जो है
आपका जो है मानी सीपीयू मॉनिटर छोड़ करके 11 से 12,000 के बीच में आपका बन जाएगा। उसके बाद टीवी घर में है तो उसी पर चला लीजिए, काम चला लीजिए, आपका काम चल जाएगा, या फिर मॉनिटर आपके पास है तो कोई बात ही नहीं। तो इस तरीके से आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। या फिर काफी लोग काफी पुराना सीपीयू यूज कर रहे हैं, परेशान हुए, बार बार खराब हो रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मार्केट में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दुकान है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त काम करता है ये। तो दोस्तों ये था पीसी बिल्ड जो कि i3 थर्ड जनरेशन के साथ में था, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे i5 थर्ड जनरेशन के बारे में, वो कितने का बनेगा, नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।